रोजेस मिल गए यार, तो मैं ऐसा 6 का गुच्छा बनवा रही। वेलकम बैक टू अलकाइंस व्लॉग। सो गाइस, आज का व्लॉग भी काफी खास होगा, तो व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे अच्छी चीज पता क्या होती है, सुबह उठती है मैं ऐसे खिड़की खोलती हूँ ना, पूरा धूप जो है ना वो मेरे बेड पे आ जाता है, तो ये चीज मुझे काफी अच्छा लगता है। नहीं अभी तक ये देखो चुपके चुपके देख रहा है। अब इसको उठा दे क्या? ठीक है, सो जाओ। आप ब्रश करना होगा बिकॉज मम्मी अभी नाश्ता लेकर आ जाएंगी। बिग बॉस के घर पे आपका स्वागत है। रख देते हैं, आएगा तो अच्छा लगेगा इससे, क्या है ना मिट्टू मिट्टू। आप ब्रेड लेकर आ गए हैं, लेकिन मम्मी ने आज कुछ अच्छा नाश्ता बनाया, तो आज हम वही नाश्ता करेंगे। ये देखो मैं अपना पैर को लेके चल रही हूँ, इतना बड़ा पैर लेके जाना पॉसिबल भी तो नहीं है। क्या बोल रहा है? चाय पूरी है, चार भुजिया। हाँ हम बोले थे तो ब्रेड क्यों मंगाई? ब्रेड मंगवा ली, हम भूल गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, शाम को या कल काम आ जाएगा। ब्रेड और बटर का नमक अजवाइन का पूड़ी बना रहा ना। वाह 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 मम्मी, लो लेके जाएगी तुम अपना। सुबह का टाइम बहुत अच्छा। मम्मी पता है कल हम क्या किए? 60 रुपए का पुचका खा लिए। आदमी की जान वाला तुम। और मेरे पेट में गुड़गुड़ 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 कर रहा है। चाय गर्मा गर्म चाय मुझे, तो मैं कौन से कप में चाय पी? आई थिंक दिस वन इज सो गुड। धन्यवाद। मम्मी आप भी खाओ, हम भी खाते हैं। ये लो, सब खा ले क्या? हाँ खा लो। ठीक है, चलो सारे है मम्मी। हम लोगों से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है कि आज मैं जाने वाली हूँ डेट पे, एंड फाइनली आज आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, एंड आई नो यू गाइज आर सो एक्साइटेड। कोई ना, अभी मैं नहाऊंगी, रेडी वेडी होंगी, शाम को जाना है मुझे डेट पे। डिसाइड करना है क्या पहनूँ, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल समय होता है ये। जाए इतने सारे कपड़े में से कुछ अच्छा पहनूँ, बट क्या पहनूँ वो मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या पहनूँ यार? और नमक ऐसे खाने वाली हूँ पानी के साथ, तो ये जब पेट दर्द करता है तब खाते हैं। सो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हो जब आपका पेट। तो मम्मी ने चावल और चावल दही वाली बनाई है, इसमें मम्मी ने जीरा डाला है और कुछ धनिया पत्ती डाला और दही डाला है। देखो साथ में मम्मी ये सब भी कुछ लेके आई है, लेट्स सी इसमें क्या है, इसमें क्या क्या आई है। अरे कुछ चनाचूर जैसा लाई है, और खुद के लिए तो मम्मी ने चाय लेके आया। लो पी लो यार, ठंडा होता है यार। और मैं ये खाने वाली हूँ। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ टॉप निकाला है पहनने के लिए। वन पीस तो पहनूंगी नहीं बिकॉज ठंड काफ़ी है, तो ये वाली क्रॉप पहनूँ? नहीं ठंड है। ये कलर मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बाकी ये भी नए कलेक्शंस में है, ये वाली भी प्यारी लग रही है, बट यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। तो ये पर्पल तो और ब्यूटीफुल लग रहा है, मतलब कुछ यूनिक, क्या स्वीट लगूंगी आई थिंक इसमें। ये डबल वाली भी अच्छी है, बट ये क्रॉप टॉप पहननी थोड़ी पतली है। सो ये भी बहुत अच्छी है बिकॉज इसका बैक डिज़ाइन जो है वो भी काफ़ी अच्छा है। सो अब मैं क्या पहनूँ, आई एम वेरी वेरी कन्फ्यूज। काश डिसाइडेड टू वेयर द स्क्रीन टॉप, और ये कुछ ज़्यादा ही अमेजिंग लग रहा है, ये नेल्स तो और ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ यार आज भर भर के मेकअप कर लेती हूँ, और परफ्यूम तो मुझे इंपॉर्टेंट है, भर भर के लगा लेती हूँ। फिर मैं वो परफ्यूम लगा लेता हूँ, हर जगह परफ्यूम लगाऊंगी, हाथ वाथ सब जगह। खुशबू ही खुशबू चाहिए आज मुझे। मैंने पोत लिया, तो आज आईलाइनर काजल दोनों लगाए जाए। आईलाइनर भी लगाया है एंड काजल भी लगाया है, अब कोई अच्छी सी लिपस्टिक लगाती हूँ। फाइनल लुक, मैंने ऐसे बाल खोलकर जाना और ऐसे ऐसे करके दीवाना बनाना है, एंड आज मेरे पास ना ऐसी ऐसी गाने की वाइब्स आ रही है ना, आज उनसे मिलना है मुझे, आज उनसे मिलना है मुझे, उनके लिए कुछ लेते चले चलो, कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे हम बाहर से। मास्क भी वेयर कर लिया है, अभी मैं जाऊंगी रोज़ लेने के लिए, मम्मी सुन लेगी रोज़ मिल जाता है, बट अभी क्या रोज़ मिलेगा। मिल गया यार, तो मैं ऐसा 6 का गुच्छा बनवा रही हूँ भैया से, कितना प्यारा है। देना ठीक है, काटा निकाल रहे हैं इस फूल की, देखो पूरा पानी वानी डाल के, ये तो बहुत प्यारा। अच्छा और डालेगा, बहुत अच्छा है। हो गया, और एक 5 स्टार दे दो मेरे को। 5 स्टार बड़ी वाली है क्या? कोई बड़ा वाला है क्या? 40 वाला भी चलेगा। गाड़ी आ जाए, एक्साइटमेंट लेवल यार बढ़ते जा रहा। देखो गई। सो गाइस, रोज का स्मेल काफी अच्छा आ रहा है, काफी रिफ्रेशिंग आ रहा है। और मैंने ना 2 चॉकलेट लिया, एक तो ये डेरी मिल्क कैंडी है 5 स्टार बिकॉज उनको काफी पसंद है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। फ्लावर शॉप बहुत अच्छा है, देखो अरे अरे बस आ गया।
मनी स्क्वायर बहुत मस्त लग रही थी। हर जगह भीड़ ही भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। तो यहाँ सीट सारी खाली थी और मैं सर्कस मूवी देखने आई थी और मैंने ना अपने बैग से चॉकलेट निकाला बिकॉज मुझे देना था समवन स्पेशल को तो चॉकलेट मैंने बहुत ही मुश्किल से छुपा कर लेके आई थी बिकॉज अलाउ नहीं करते चॉकलेट। रहा नहीं गया यार, मैं इंटरवल का वेट थोड़ी करूँगी। मैं सबसे पहले पॉपकॉर्न ले लेती हूँ, इंटरवल में हम कुछ और खा लें। पॉपकॉर्न लूँगी बिकॉज ये दोनों मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यही है वो स्पेशल इंसान जिसको मैंने आई लव यू बोला और डेट पे लेके आई थी। मम्मी के चेहरे पे इतनी ज़्यादा स्माइल थी ना तो मैंने सोचा क्यों ना आज मम्मी को मूवी डेट पे ले। यहाँ इंटरवल का टाइम हो गया था एंड फिर हम वॉशरूम गए तो यहाँ पे ना ऐसे हाथ आप लोग धो सकते हो, तो ये बहुत ही ऑटोमेटिक मशीन थी तो मैंने मम्मी को सिखाया कुछ नया। सो मम्मी को काफ़ी पसंद आया। उसके बाद मुझे एक प्यारी सी सब्सक्राइबर मिली और शी इज़ सो क्यूट, यू लुक एट हर फेस यार, बहुत ही क्यूट थी गोल मोल सी क्या। तो मम्मी ने ऐसे कॉर्न चाट खाया एंड मैंने भी मसाला कॉर्न ऑर्डर किया था। ये इसमें मसाला तो था नहीं पर बटर ज़्यादा था और थम्सअप मैंने पिया, मम्मी ने ठंडा नहीं पिया बिकॉज मम्मी को खांसी हो जाती है। मूवी देखने में एकदम अच्छी नहीं लगी हमें। सो मम्मी को मैंने बोला शॉपिंग करने बट मम्मी कर ही नहीं रही थी। मम्मी को शॉपिंग तो करना ही नहीं था इसलिए मुझे मेरी मम्मी पर बहुत गुस्सा आता है यार। आप लोग कहते हो ना अकेले क्यों आती हूँ शॉपिंग करने, यही रीज़न है। लेना लेती तो जस्ते ना फोर्स किया शॉपिंग कर लो पर करना ही नहीं है, इसीलिए मैं अकेले शॉपिंग करने आती हूँ यार। आपको रीज़न पता चल गया होगा, इसलिए मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है पता है। तू मॉल का कपड़ा उपड़ा कैसा लगा मूवी डेट? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो आप एक इसी बात पे गाना सुना दो सबको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बाप रे। काटे नहीं कटते दिन ये रात, कहनी थी जो थी दिल में बात, लो आज मैं कहती हूँ पैकेट में डाली पता ही नहीं चला। टॉफी बोलती अनुपमा देखते देखते खाएंगे, वेस्ट क्यों करें सोच। और यहाँ कोई और खा रहा, अनुपमा की दूसरी बहन खा रही है क्योंकि ये भी ज्ञान देने में कम नहीं है। कितना सारा मम्मी वेस्ट नहीं होने दी, ये काम मम्मी अच्छा की लेकिन पता है पैकेट लेके दिए तुम। हाँ मम्मी अपने नहीं, हम नहीं लगे, मम्मी छुपा के लेके गई थी। यहाँ भी लेके आ गए। इस मिर्ची के बिना मेरे को खाना ही मन नहीं करता। मम्मी जो भी खाना बना रही थी सब कुछ अधूरा लग रहा था। अच्छा कि पापा ले आए, आप सो गए थे पापा। पापा भी आज मूवी में ज़्यादा, लेकिन पापा को टाइम ही नहीं था, क्या बोलूँ अभी सो गए थे, सो के उठे। और वहाँ मम्मी खाना ले आई है और भगवान को चढ़ाने का ये प्रसाद मतलब खाना, ये तलना मेजिया कहते हैं ना इसे, मेजिया। पापा मेरे लिए फिंगर नहीं लेके, आपको बोले थे वो फिंगर लाने, कलरफुल फिंगर जो आता है। ओके पापा यहाँ पे खा रहे मेथी का पूड़ी। अरे बाप रे मेथी का पूड़ी, मम्मी क्या क्या पूड़ी नहीं बनाता, मेथा मेथी का। डेट पे गया था मेरे साथ, जोकर गए थे। अच्छा सर्कस को जोकर बोल दिया मम्मी, वाह 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 वाह। मतलब मम्मी अपनी बहन लोग को फोन करके बोल रही हम जोकर मूवी गए थे जबकि हम लोग सर्कस गए थे। ठीक है कहाँ देखने गया था मम्मी? साइंस सिटी। साइंस सिटी में कोई मूवी हॉल है? साइंस सिटी क्या है, एक पार्क है, झूला वूला लगा है, वो मूवी हॉल है क्या? सिटी सेंटर। सिटी सेंटर भी नहीं गए थे मम्मी, मनी स्क्वायर गए थे। 10 बार बोल दिया, सबको उल्टा फुल्टा बता देता है मम्मी। मनी स्क्वायर गए थे, सबको उल्टा फुल्टा दिया, दिमाग में रखो, सब हंसने लगेगा अगर आप बोलेगा ना साइंस सिटी आप मूवी देखने गया था। सर्कस गए थे, सर्कस गया था हाँ। मूवी पेंट करते हैं। आई होप आपको मेरा डेट व्लॉग काफी पसंद आया होगा। सो जरूर बताना कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा।